हे गाइस, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हो सेट जो मैक अनबॉक्स। तो गाइस, आज हमने मंगाई है बिल्ड स्किल की तरफ से आने वाली एक स्प्रे पेंट मशीन। और गाइस, इस वीडियो में करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे कैसा है हमारा बिल्ड स्किल की तरफ से आने वाला स्प्रे पेंट मशीन और कैसे काम करता है, किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो, वो सब इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। तो यहाँ पर कट मैंने पहले ही कर दिया इसको। तो चलिए, कुछ इस तरीके से आपको पैकेजिंग दिखाई देती है। और इसे हमने मंगाया है buildskill.com से, तो आप भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक दे दूंगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पर आपको एक कंटेनर मिल जाता है, इसमें आप कोई भी लिक्विड स्टोर कर सकते हो, जैसे कि पेंट वगैरह स्प्रे के लिए। तो कुछ तरीके से देखने के लिए मिल जाता है, बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है और जो साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो उसके साथ ही यहाँ पर हमें हमारी मशीन दिख जाती है, उसको निकालते हैं बाहर। तो यहाँ पर ऐसे एक स्कूप मिल जाता है, जिससे आप पेंट को इस कंटेनर में डाल सकते हो, जैसे ग्रेनाइट उधर या कुछ और भी यूज़ होगा तो मैं आपको बताऊंगा इसका। और उसके साथ ही यहाँ पर हमें मिल जाती है हमारी मशीन, स्प्रे पेंट मशीन। और गाइस, काफ़ी हैवी मशीन है और यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा रबर टाइप टेक्सचर देखने के लिए मिल जाता है और पूरी पूरी आपको प्लास्टिक बॉडी में दिखाई देती है। चलिए डिटेल में आपको, पहले देखते हैं बॉक्स में क्या कंटेंट है। तो यहाँ पर गाइस आपको मिल जाती है एक यूज़र मैनुअल, तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमें पता चलेगा कौन सा बटन क्या काम करता है। तो यहाँ पर इसके फंक्शंस आपको बता रखे हैं, वैसे मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से काम करेगी, आप एक बार चेकआउट कर लीजिए किस तरीके से आपको कंटेनर बंद करना है, किस तरीके से ऑन करना है, वो सब आपको इसके बारे में बता रखा है। तो एक बार से ज़रूर चेकआउट कर लेना। और साथ ही बॉक्स में आपको पिन और मिल जाती है, जो कि सिम इंजेक्शन पिन जैसी लग रही है। तो चलिए बॉक्स में बताते हैं। तो यहाँ पर कुछ तरीके से आपको फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ उसका। तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक बॉडी में देखने के लिए जाती है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा रबर टाइप टेक्सचर देखने के लिए मिल जाता है, जो ग्रिप काफ़ी अच्छी बनाता है। बिल्ड स्किल की ब्रांड इधर मिलती है और यहाँ पर आपको एक ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, जिसका फीडबैक काफ़ी अच्छा है। उसके साथ ही यहाँ पर नोजल मिल जाती है, जहाँ से स्प्रे पेंट हमारा बाहर की तरफ आएगा और इससे आपको, और इसे आप रोटेट भी कर सकते हो जितना बड़ा आपको स्प्रे चाहिए वो सब। और उसके साथ ही यहाँ पर गाइस आपको ट्रिगर मिल जाता है, जो कि आप स्प्रे करते टाइम यूज़ कर सकते हो और इसी को दबाने से हमारा पेंट बाहर आएगा। और यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको कंटेनर लगाना है, कंटेनर लगाने के लिए कुछ तरीके से आपको दिया हुआ है जो ये, तो यहाँ पर लगाना है। तो जो पाइप का स्लॉट है आपको इसमें लगाना है, एक बार इस तरीके से लग जाने के बाद आपको इस कंटेनर को कुछ इस तरीके से टाइट कर देना है। और गाइस, ये अभी तो खाली है, अगर जब आप इसमें पेंट भर लोगे तो कुछ तरीके से आपको टाइट करना पड़ेगा नीचे तक रखकर। और हमारा पेंट स्प्रे रेडी हो गया यहाँ पर और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगा। यहाँ पर इसने लॉक कर लिया अपने आप को काफ़ी अच्छे तरीके से और कोई मूवमेंट वगैरह में ये लूज़ नहीं है। यहाँ से नोजल स्प्रे है, कुछ इस तरीके से काम करेगी, जिस तरीके से आपको स्प्रे चाहिए, ज़्यादा वाइड में चाहिए, ज़्यादा थिकनेस कम चाहिए या ज़्यादा लॉन्ग चाहिए, वो सब आप इससे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमारा है ट्रिगर, यहाँ पर जो वायर की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए काफ़ी थिक है और काफ़ी हैवी क्वालिटी है। तो चलिए अब इसको यूज़ करते हैं, देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो आपको कुछ इस तरीके से फिक्स कर लेना है और यहाँ पर मेक श्योर बिल्कुल टाइट हो जाए, जिससे लिख लेना। और उसके बाद काफ़ी अच्छे तरीके से ये फिट हो जाता है, यहाँ देख सकते हो, तो घुमाते भी हो, मूवमेंट लेते हो तो वो लिख लेगा इसमें से। चलिए अब इसको स्प्रे करके देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर हमने प्लग लगा दिया, अब यहाँ से आपको इसको ऑन करना है। ऑन करोगे तो जैसे ऑन करते हो तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है इसमें से और काम करने लग जाती है, लेकिन स्प्रे नहीं करेगा जब तक आप इस ट्रिगर को दबाने के बाद ही कलर लिख लेगा। तो सामने वाली बॉल देख सकते हो किस तरीके से, तो चलिए आप चला के देखते हैं। तो चलिए गाइस, पहले अपने आपको सेव कर लेना, इस मटकी को उसका कवर करते हैं। तो यहाँ पे ऑन कर लेना,
तो गाइस देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको फिनिशिंग देखने के लिए मिलेगी। और गाइस अभी हमारा जो पेंट है वो हल्का है, जिस वजह से ये थोड़ा सा एक कोट और लगेगा इस पर। वैसे अदरवाइज आप किसी चीज़ को पेंट करना चाहो तो काफ़ी अच्छी मशीन है, आप ज़रूर इसे परचेस करना। तो थोड़ा सा इसका जो एयर फ्लो है मशीन का वो ज़्यादा तेज़ है, बहुत तेज़ चलती है इसी कुछ इस तरीके से, और काफ़ी हैवी मशीन है, काफ़ी अच्छा एयर फ्लो है इसका, काफ़ी अच्छे तरीके से पेंट कर देती है कहीं भी किसी भी सरफेस पर। तो आप इसे ज़रूर चेकआउट कर लेना, मैंने लिंक दिया हुआ है। तो चलिए गाइस मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।